ಕೇಳಕ್ಕೆ गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं घोघर धाम जो कि वेदव्यास राउरकेला में है। हम लोग सिमडेगा से सुबह 4 बजे निकले हैं और अभी यहाँ वेदव्यास से होकर इधर घोघर धाम पहुँचे हैं। वेदव्यास से लगभग ये 1 घंटा की दूरी पर है और घने जंगलों के बीच नदी किनारे पर ये मंदिर स्थित है। ये सुंदरगढ़ जाने वाले रास्ते पर पड़ता है, इसलिए अभी हम लोग फ़िलहाल यहाँ पहुँच चुके हैं। फिर देखिए, और ये देखिए सोनी मैडम कैसे पहुंचती है कहीं भी जाने के लिए। बस पूरे रास्ते सोते जाना है और जहां बस पहुंचो वहां जो काम है पूजा करना है उस टाइम बस ये उठेगी। बोल बम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। आज हम लोग आए हैं उड़ीसा घोघर मंदिर। आज सुबह सुबह निकले हैं हम लोग। कितना घंटा लगाने में? कितना घंटा लगता है आने में? 2 घंटा। सोमवारी की वजह से हम लोग यहाँ पर इधर गाड़ी अंदर लाना अलाउ नहीं किया था, इसलिए 1 किलोमीटर पहले ही हम लोग गाड़ी खड़ा करके इधर मंदिर पैदल ही जा रहे हैं। लकी, कितनी दूर है यहाँ से? कितना दूर है? पहुँच गया है कि वो दिख रहा है? यही मंदिर है, यही है। कितना अच्छा व्यू लग रहा है, देख सकते हैं आप। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, यहाँ पे टली सब दिख रहा है। यहाँ पे टेम्पो में लगाया फ्रेश कोकोनट कच्चा डव। एम्बुलेंस वगैरह सबका भी सुविधा दिया गया है। अच्छा, ये गाड़ी क्या बेच रहा? लगी यहाँ पे चाय है। क्या है मेरे में? पॉपकॉर्न कुकीज़ वगैरह लगे, आने टाइम लेंगे खरीदेंगे। देख सकते कितना ज़्यादा पानी आ रहा है। आप लोग मौका मिले तो उड़ीसा ज़रूर आइएगा। पहुँच चुके हैं इधर घूमने के लिए। इधर जितना भी जगह है बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह है इधर घूमने। यहाँ पर मंदिर पहुँचने तक पूरे रास्ते में रोड किनारे किनारे सारा पूजा सामग्री का दुकान सब रखा हुआ था, खाने पीने की व्यवस्था की हुई थी। और हम लोग भी वैसे तो पूजा का सारा सामान घर से लेकर आए थे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ पूजा का सामान सब खरीदते खरीदते मंदिर पहुँचे हैं। Yeah.
ये है मंदिर का प्रांगण जो बहुत बड़ा है। हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं, अभी पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर घूमेंगे मंदिर पूरा। कहते हैं नंदी भगवान के कान में कहने से आपकी इच्छा भोलेनाथ के पास बहुत जल्दी पहुंचती है और वो आपकी इच्छा सुन के उसे जल्दी पूरा करते हैं। इसलिए पता नहीं सोनी क्या विश मांग रही है, जब पूरी हो जाएगी तो वो ज़रूर बताएगी। यहाँ पे हम पहली बार देख रहे हैं जो बड़ा सा नंदी जी है, इधर देख सकते कितना ज़्यादा बेल पत्थर। हम लोगों की पूजा हो गई है इसलिए अभी हम लोग सारा मंदिर घूम लेते हैं, तो हम लोग के साथ बने रहिए और दिखाते हैं आप लोगों को सारा मंदिर। श्री अयप्पा मंदिर गेट लगा हुआ है अभी। वैसे तो ये शिव मंदिर है लेकिन यहाँ पर सभी देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। हम लोग यहाँ पहली बार आए हुए हैं लेकिन यहाँ आकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, ख़ासकर सावन के महीने में हम लोग यहाँ आए हुए हैं तो मंदिर से बाहर जो प्राकृतिक नज़ारा है, नदी बह रही है और शहर से दूर ये मंदिर जो स्थित है मतलब बहुत खूबसूरत है ओवरऑल। अगर आप लोगों को मौका मिले तो ये मंदिर ज़रूर से ज़रूर घूमिएगा, क्योंकि हम लोगों को तो ये मंदिर अच्छा ही लगा घूमकर, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा ये मंदिर घूमकर। मेरा भाई हमको ब्लॉगर बोल रहा है। हाँ।
सावन की वजह से यहाँ पर मंदिर के बाहर आंगन में ये थर्मोकोल का शिवलिंग बनाया हुआ है, जिसको यहाँ पर जो लोग भी आ रहे हैं इसको बारी बारी से उठाकर खुद को बाहुबली ही समझ रहे हैं। ऐसे ही बस मनोरंजन के लिए ये रखा गया है यहाँ पे। और ये देखिए सोनी का पूजा पाठ हो गया, तो थोड़ा सा दान पुण्य भी कर ले रही है। प्रशासन का व्यवस्था पूरा है, भोले बाबा नहीं, मंदिर के बारे में डिस्कशन चल रहा है, यहाँ कुछ बता रहे हैं लोग। मार्केट का कहाँ है पता नहीं मो। इसीलिए वो रखा ही था तुम लोगों को, नहीं इसीलिए वो रखा भी हुआ है। और ये देखिए जैसा कि हम बोले थे वहाँ पे बाहुबली का प्रदर्शन चल रहा है, लोग शुरू हो गए उस शिवलिंग को उठाकर अपना बाहुबली वाला प्रदर्शन करने को। तो हम लोगों का मंदिर घूमना हो चुका है, और मंदिर के बाहर इधर बाजार भी लगा हुआ है सोमवारी की वजह से। पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है बाजार में, चलिए घूमते हैं दिखाते हैं आप लोगों को। फोटो वोटो नहीं खरीदने के यहाँ का वो सब है। ठीक है ना, फोटो ठीक लग रहा है ना। वो बाहर का पूरा मंदिर का है, बाहर का पूरा नहीं अंदर का है। अंदर का केवल शिवलिंग का लिए हैं और वो बाहर का मंदिर का बहुत अरे पैसा। ये रुद्राक्ष है ना, और ये क्या है? कस्तूरी है ये, कस्तूरी। इसका क्या होता है? इसके लिए पूजा पाठ में रखो, घर में मंदिर में रखो, लक्ष्मी में रखो। और वो क्या है? वो केसर है। नहीं वो आगे ये शिलाजीत है। शिलाजीत उसका क्या काम? ताकत के लिए। अच्छा खाने के लिए। केसर माँ रुद्राक्ष एक को मिलता है, एक रुद्राक्ष कितना? एक पीस पंचमुखी का 100 रुपये। ये रुद्राक्ष असली है या नकली उसको ये लेडीज दिखा रही है, दोनों सिक्कों के बीच में ये रुद्राक्ष रख के कुछ बताती हैं। और ये खुद मतलब पता नहीं क्या बता रही है, कैसे समझा रही है, कुछ समझ तो आया नहीं, लेकिन बस सुने ले रही है। लगे ले रही हो। और ये है केसर, मतलब 100 रुपीज का ये छोटा सा ढक्कन में, एक ढक्कन पूरा। यहाँ पर एक कस्तूरी है, उसका महक उसका सुगंध कैसा होता है वो जानने के लिए लेडीज हाथ में रख कर उसको रब करवाती है। इससे पहले हम कस्तूरी का कभी सुगंध नहीं लिए थे, लेकिन अच्छा है, अच्छा लगा इसकी महक। कितना? ये चीनी मिट्टी का शिवलिंग बना हुआ है, ये छोटी छोटी कटोरी भी चीनी मिट्टी का ही बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। और ये पूजा का सारा सामान सब हम लोग को कुछ लिए नहीं वैसे, चलो ना घूम और खरीद रहा है। चलो घूम लो, इधर से ही निकलेंगे। चलते जा रहे हैं, टेढ़ा है, टेढ़ा बन जाएंगे, चलने ले बन। आउच, यहाँ है पेड़ा प्रसाद। ज्यादातर यहाँ मिठाई का ही दुकान दिख रहा था चारों तरफ। हाँ तो ठीक है ना, यहाँ पर बाजार में हर तरह का सामान सब रखा हुआ है, ज़्यादातर यहाँ प्रसाद सब जैसे पेड़ा मिठाई ये सभी रखा हुआ है।
यहाँ पर सोनी मिठाई लेने के लिए मोल भाव कर रही है। सोनी पेड़ा भी ली और पैसे भी ले ली। पेड़ा भी ली और पैसे भी ले ली। ठीक मजा कोई कोई दिखा है तो कुछ कर इतना ₹50 पॉपकॉर्न। सोनी कैसे पैकेट कैसे पैकेट। हम लोग मंदिर बिना कुछ खाए पिए ही आए हुए थे और अभी पूजा करते हुए 10:30 हो गया है और हम लोगों को सभी को बहुत भूख भी लगी हुई है, इसलिए हम लोग मेला ज़्यादा नहीं घूमे और फिर खाने का दुकान ढूंढ रहे थे। और ये देखिए सोनी को तो लग रहा है सबसे सोनी को सबसे ज़्यादा भूख लगा है, सबसे आगे जा रही है, पता नहीं कौन होटल में बैठेगी। सोनी सोनी सबसे ज़्यादा भूख लगा है, सबसे आगे जाके खड़ी है। पूजा हो गया, अब पेट पूजा करना है। बोलो क्या खाना है। इडली सांभर इडली ले लो डोसा है, इडली है, छोला भटूरा है। सोनी तुम क्या खा रही हो? अचार भी दे रहे थे। खा क्या रही हो? छोला भटूरा देख रही हो? उसको मतलब नहीं, वो लेके बैठ गया खाने के सबसे आगे। तुम लोग डिसाइड करते रहो। वही ना, डिसाइड करते रहो। मत देख उठाइए, सपना मत देख। आ गया, बहुत गर्म है। है तो वो दे रही है सलाद में। सलाद दीजिएगा ना, खाए कहते सोने के। चल रहा है, चलो सब कोई निकल गया। ज़्यादा खा लीजिए। थोड़ा ज़्यादा खाए, बहुत ज़्यादा। यहाँ कुल्लड़ का चाय मिलता है, ये मिट्टी का बर्तन है, छोटा छोटा कप है, इसी में चाय पिए, बहुत टेस्टी चाय लगा। और अभी हम लोग निकलेंगे अभी घर तरफ। मुँह तो बहुत थक गए हैं, क्या बताएं। थोड़ा थका है कि नहीं थका है? थकान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं, नहीं लग रहा है आपको? सब टेंशन नहीं लग रहा है? सब टेंशन, सब स्माइल कर रहा है, किसी को कुछ नहीं। चलो चार पी दी, नंबर आ गया। हाँ अच्छा था। मम्मी बैठ रही है, हम भी बैठ लेते हैं। अरे बैठो, सब बारी अब हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों की पूजा हो गई, हम लोग रिटर्न घर जा रहे हैं। यहाँ पर खड़े होकर सबको थोड़ी देर आराम से पूरा प्राकृतिक नज़ारे को निहार रहे हैं, निहार लेते हैं, क्योंकि फिर पता नहीं कब यहाँ आना हो। जब आए थे उस टाइम यहाँ पर शायद केनाल खुला हुआ था, इसलिए पानी बहुत ज़्यादा था। अभी थोड़ा सा पानी कम हो गया है। निवासी सब है, ये लोग को आदत है, ऐसा लगता है किनाल खोला है ना, पूरा उफान पे है पानी अभी। लेकिन इधर कम हो गया ना, फोटो भी जाना पे बीच में खड़ा हो जाओ। अच्छा है, मिल भी जाता है।
यहाँ ऊपर में भी एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है? भैरव बाबा, भैरव कल्याणी का मंदिर। यहाँ से कोभाई नदी बढ़ा रहा है क्या? मेन मंदिर का एंट्रेंस में है। बारिश का मौसम है इसलिए सब तरफ हरियाली है, मानो जैसे कि पूरे पहाड़ पे हरे पत्तियों की चादर बिछी हुई है। घोघर धाम कांस बहाल भैरव कल्याणी का मंदिर। सोनी थकी नहीं हो ना? थक गई है, कुछ बोल नहीं रही है। क्या करें, घर तो जाना है ना। 20 का 3 इडली टमाटर भी ज्यादा महंगा है। घूमना हो गया है और अभी हम लोग घर से आ रहे हैं, सोने का निकल रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए। तुम थकी हो कि नहीं? लगी बहुत ज़्यादा? नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं थके हैं, सोनी थकी है। और प्लीज़ हम लोग का वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।